ईमानदार है। आपको लगता है कहीं जाएगा? नहीं, योगी आदित्यनाथ बहुत बहादुर मुख्यमंत्री हैं, ईमानदार हैं और मेहनत कर रहे हैं। साबरमती जेल में डर से डॉन के बदले सुर। यूपी के बाहुबली माफिया डॉन अतीक अहमद के सुर बदल गए हैं। गुरुवार को लखनऊ पहुंचे डॉन ने सीएम योगी की तारीफ के पुल बांध दिए। अतीक ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि सीएम योगी एक बहादुर और ईमानदार सीएम हैं, वह अच्छा काम कर रहे हैं। अतीक ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चिल्लाते हुए मीडिया से यह बात कही। हालांकि उनके इस बयान के तमाम मायने निकाले जा रहे हैं। बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में अतीक की पेशी हुई। 25 जुलाई 2005 को प्रयागराज के शहर पश्चिम सीट के विधायक राजू पाल की ऑटोमेटिक हथियारों से गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। गुरुवार को सीएम योगी की तारीफ करते ही हर कोई यह पूछने लगा कि आखिर डॉन अचानक से योगी आदित्यनाथ का मुरीद कैसे हो गया। योगी के लिए मुंह से फूल झड़ने के तमाम मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल यूपी की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथ में आते ही अतीक के बुरे दिन शुरू हो गए थे। अतीक के सामने नतमस्तक रहने वाला यूपी पुलिस उस पर एक बार फिर शिकंजा कस दिया और उसके खिलाफ एक के बाद एक ताबड़तोड़ केस दर्ज होने लगे। अतीक और उनसे जुड़े लोगों की संपत्तियां कुर्क होने लगी और उन पर बुलडोजर चलने लगे। बताया जा रहा है कि अब तक अतीक और उनके गुर्गों की लगभग 1,000 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। पिछले 2.5 महीने के दौरान ही 125 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है। सीएम योगी के प्रति अचानक अच्छी अच्छी बातें करने वाले अतीक अहमद के बारे में बताया जा रहा है कि अपना बचा खुचा साम्राज्य बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। जेल में बंद अतीक को सब कुछ खत्म हो जाने का डर सता रहा है। बहुत बहादुर मुख्यमंत्री है, ईमानदार है। योगी आदित्यनाथ बहुत बहादुर मुख्यमंत्री है, ईमानदार है और मेहनत कर रहे हैं।